भानगढ़, आज हम आपको भारत के राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध किले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको भूतिया किला भी माना जाता है। भानगढ़ किले को अमेर के राजा भगवत दास ने सन 1583 में बनवाया। भानगढ़ का किला चार दीवारी से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों को बनाया गया था, जिसके सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ एक कतार में बनाई गई दो मंजिले दुकानें और किले के आखिरी छोर पर तीन मंजिला महल। अब यह किला खंडर बन चुका है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने को ही बनती है। यहाँ पर चारों तरफ से पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में यह दृश्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं। आज भी यहाँ सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद किसी को भी किले के अंदर रुकने की इजाज़त नहीं है। माना जाता है कि भानगढ़ भालूनाथ योगी की तपस्या स्थल था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ किले को बनने की अनुमति दी थी कि किले की परछाएं कभी भी मेरे तपस्या स्थल को नहीं छोड़नी चाहिए। परंतु राजा मधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा, जिसके बाद एक दिन किले की परछाएं तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी भालूनाथ ने क्रोधित होकर भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। श्री भालूनाथ जी की समाधि आज भी वहाँ पर स्थित है। भानगढ़ की एक मान्यता यह भी है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सुंदर थी, जिनके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उस राज्य में एक तांत्रिक भी था जो राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु यह संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक ने राजकुमारी की दासी, जो बाजार में राजकुमारी के श्रृंगार का तेल लेने आई थी, उस तेल को काले जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से जब वह तेल एक चट्टान पर गिरा तो वह चट्टान ढुड़कती हुई तांत्रिक की तरफ आने लगी और तांत्रिक के ऊपर गिरने से उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने राजकुमारी और इस नगरी को नाश होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद यह नगर ध्वस्त होता चला गया। माना जाता है कि आज भी यहाँ उस तांत्रिक और रत्नावती की आत्मा घूम रही है। माना जाता है कि आज भी इस महल में राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक का भूत रहता है। वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि जब रात को अंधेरा हो जाता है, तब इसमें से गीत होने की और पायलों की आवाज़ आती है, जैसे कोई नाच रहा हो। बस आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। शहद प्रकृति की बहुत ही सुंदर और मीठी देन है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है दादी भानी, जो सीधा मधुमक्खियों के छत्तों से निकलकर आपकी चम्मच तक पहुँचता है बिना किसी मेडिकल प्रोसेस या मिलावट के। यह आपको कच्चे शहद की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। आप इस पर भरोसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यह देश के बाहर भी जाता है और इसको जर्मन की लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा चुका है।